हेलो गाइस, माय नेम इज़ उमेश राजौरिया और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के हैंड रिटन नोट्स। ये नोट्स साइंस कैरियर कोचिंग की तरफ से आपके लिए फ्रीली अवेलेबल हैं। आप इन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए नोट्स की पीडीएफ फाइल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। चलिए बात करते हैं इस चैप्टर के कंटेंट्स के बारे में। सबसे पहले आपको इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉइंट चार्ज, और उसके बाद में आपको मटेरियल की तीन कैटेगरीज कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में बताया हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की तीन बेसिक प्रॉपर्टीज एडिटिविटी, कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इनके बारे में आपको बताया हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट पे थ्योरेटिकली क्वेश्चन नहीं आता बोर्ड एग्जाम में, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसमें ये बताया हुआ है कि किस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम्स लॉ, जिसमें कोई भी दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में आपको बताया हुआ है। इसके बाद में आता है कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं कूलाम्स लॉ के ऊपर। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, और उसके बाद में फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जिसमें ये डिस्कस किया गया है कि अगर किसी भी सिस्टम में दो से ज़्यादा चार्जेस अवेलेबल हैं तो किसी चार्ज पे बाकी के चार्जेस की वजह से नेट फोर्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं बेसिक प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जहाँ पे उसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आप उसको कैलकुलेट करोगे। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से आप डिफरेंट चार्जेस की वजह से एक पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जिन लाइंस की हेल्प ली जाती है उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हुई हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। के बाद में आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रिक डायपोल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का एक सिस्टम होता है जिनके बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस होती है। इसके बाद में डायपोल की जो स्ट्रेंथ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं जिसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहा जाता है उसके बारे में उसका फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके बारे में बताया हुआ है, और डायपोल के लिए दो स्टैंडर्ड पोजिशंस एक्सेल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, इन दोनों पोजिशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर कितना फोर्स या टॉर्क वर्क करेगा, ये इस टॉपिक में डिस्कस किया गया है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है उसके बारे में आपको बताया गया है। तीन टाइप का बेसिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद में आपको एरिया वेक्टर के बारे में बताया हुआ है। फिजिक्स में हम एरिया को एज ए वेक्टर काउंट करते हैं और इसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड मानी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद में आता है गॉसेज लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। गॉसेज लॉ और उसका प्रूफ दोनों ही एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। इसके बाद में एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेज थ्योरम आपको बताई हुई हैं, जिसमें पहले एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर,
ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं गॉसेस थ्योरम की, आगे भी हम दो तीन एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बार बार पूछी जाने वाली एप्लीकेशंस हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब एक होलो स्फेयर, एक यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फेयर है जिसको हमने इलेक्ट्रिकली चार्ज कर रखा है, और इसके आसपास, इसके बाहर, इसकी सरफेस पे और इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है इस टॉपिक में। इसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, जिसमें आपको एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के आसपास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैलकुलेट करके बताया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद में आपको बताया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज के बारे में, जिसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं कि दो यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट्स के आसपास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसके बाद में चैप्टर के लास्ट में आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही अच्छे से तैयार करना, क्योंकि इन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। साथ ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक भी दिया हुआ है छोटा सा, जिसमें एक असाइनमेंट के तौर पे, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, अराउंड 15 क्वेश्चंस जो कि प्रैक्टिस के लिए आपको दिए गए हैं, इनकी भी आप साथ में प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी मैंने आपको बताई। इन इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से आप तैयार कीजिए एग्जाम के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके गाइस, खूब पढ़िए लिखिए, एंजॉय कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट करते रहिए। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा, ताकि इसमें और भी इम्प्रूवमेंट किया जा सके और उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।